वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल 24/7 AP लाइब्रेरी। तो इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ और सॉल्यूशंस लेके आए हैं, सर्वर रिजेक्टेड प्रॉब्लम और फेल टू अपलोड प्रॉब्लम के रिगार्डिंग। जैसे कि आपने ये वीडियो देखी होगी हमारे चैनल पे, सर्वर रिजेक्टेड और फेल्ड टू अपलोड प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन बताया गया था इस वीडियो में। उसी वीडियो से रिलेटेड पार्ट टू कि अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उससे रिलेटेड सोल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ये चार वीडियोस आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो, 1, 2, 3 और 4 नंबर से, तो ये चार वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगी। फर्स्ट वीडियो में हमने बताया था नंबर 1 पे जो वीडियो शो हो रही है आपको, उसमें गूगल फॉर्म में टेस्ट और एग्ज़ाम कैसे अटेम्प्ट करना है ये बताया गया था। सेकंड वीडियो में अडोब स्कैन में PDF कैसे बनानी है और उसको फ़ोन मेमोरी में कैसे सेव करना है ये बताया गया था। थर्ड और फोर्थ वीडियोस में आपको जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उसके रिलेटेड सॉल्यूशंस बताए गए थे। थर्ड वीडियो में आपको ये बताया गया कि आपने अपने फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र को एज अ डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र कैसे सेट करना है। तो यह सेटिंग आपको वीवो फ़ोन के अकॉर्डिंग बताई गई थी। अगर आपके पास MI और सैमसंग का फ़ोन है तो उसमें आप गूगल क्रोम को डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र कैसे सेट करोगे, पहले आपको आपके फ़ोन की सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में आपको ऐप्स और एप्लीकेशन मैनेजर और एप्लीकेशंस, इसमें से कोई भी ऑप्शन मिलेगा, आपको उस ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको मैनेज ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको आपके फ़ोन की सारी ऐप्स की लिस्ट मिल जाएगी। उसी लिस्ट के ऊपर टॉप राइट कॉर्नर पे आपको ये 3 डॉट्स का ऑप्शन मिलेगा। उन 3 डॉट्स पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा डिफ़ॉल्ट ऐप्स का। उस डिफ़ॉल्ट ऐप्स पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा ब्राउज़र का। ब्राउज़र पे क्लिक करोगे तो आपके पास जो भी आपके फ़ोन में इंस्टॉल्ड है ब्राउज़र वो सारे शो हो जाएंगे, उसमें से आपको गूगल क्रोम को सिलेक्ट करना है। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको सेटिंग्स को बंद कर देना है। अभी आपका जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है आपके फ़ोन का वो गूगल क्रोम सेट हो गया है। तो अगर आपके पास वीवो फ़ोन है तो आप उस वीडियो में लाइव सेटिंग देख सकते हो। अगर आपके पास MI और सैमसंग का फ़ोन है तो आप ये वाले ऑप्शंस यूज़ करके गूगल क्रोम को डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र सेट कर सकते हैं। अगर आप अपना टेस्ट और एग्ज़ाम गूगल क्रोम में ओपन करोगे तो आपको अपलोडिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर गूगल क्रोम में भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए भी आपको रीज़न बता रहा हूँ मैं। जैसे यहाँ पे इस स्क्रीन पे आप देख रहे हो, एग्ज़ाम गूगल क्रोम में ओपन हुआ हुआ है बट इसमें अपलोडिंग में प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो टैब्स का एरो जहाँ पे लगा हुआ है वहाँ पे 13 शो हो रहा है आपको। यहाँ पे आपको 1, 2 और मैक्सिमम 3 उससे ज़्यादा अगर नंबर यहाँ पे शो हो रहा है तो आपको अपलोडिंग में प्रॉब्लम आएगी। तो इसका सोल्यूशन है, जो आप उस नंबर पे क्लिक करोगे जहाँ पे आपको जैसे यहाँ पे 13 शो हो रहा है उस पे क्लिक करोगे। उस पे क्लिक करने के बाद आपको हर एक टैब के टॉप राइट कॉर्नर पे क्रॉस का ऑप्शन मिलेगा, उस क्रॉस से आपको सारी टैब्स बंद कर देनी है और दोबारा से अपना एग्ज़ाम और टेस्ट ओपन करके उसमें फाइल्स अपलोड आप कर सकते हो ईजीली। अगर आप गूगल क्रोम में भी
अपलोडिंग में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो उसके लिए मैं आपको एक और सोल्यूशन बताने जा रहा हूँ। उसके लिए आप अपने फ़ोन में अडोब स्कैन में जाओगे जहाँ पे आपने पीडीएफ बनाई हुई है। पीडीएफ में आपको एक मोर का ऑप्शन मिलेगा। मोर के ऑप्शन पे आपको जहाँ पे कॉपी टू डिवाइस, आपको वीडियो में बताया था कि आप कॉपी टू डिवाइस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको कॉपी टू गूगल ड्राइव का ऑप्शन चूज कर लेना है। कॉपी टू गूगल ड्राइव का ऑप्शन अगर आप चूज़ करोगे तो आपको ऐसे डाउनलोडिंग की प्रोसेसिंग आपके फ़ोन में मिलेगी। तो यहाँ पे आपको प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद ये ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको अगर रीनेम करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो, अदरवाइज आपको सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करने के बाद आपको अपने फ़ोन में गूगल ड्राइव में जाना है। गूगल ड्राइव में आपको ऐसा ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे शो होगा उसी फाइल पे आपने जो फाइल सेव की है उस फाइल पे आपको ऑप्शन मिलेगा वेटिंग फॉर वाईफाई का। तो वेटिंग फॉर वाईफाई का अगर ऑप्शन आपके पास आ रहा है तो एक अपसाइड एरो आएगा, वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। अपलोडिंग कंप्लीट होने के बाद आप यहाँ से इसे ओपन करके चेक कर सकते हो। उसके बाद आप एग्ज़ाम में ऐड फाइल पे जाके मोर पे क्लिक करोगे। मोर पे क्लिक करने के बाद आपको माई ड्राइव का एक ऑप्शन मिलेगा, आपने वहाँ पे क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको ये फाइल यहाँ पे शो हो जाएगी जो हमने वहाँ पे गूगल ड्राइव में अपलोड की थी। इसे सिलेक्ट करने के बाद आप सिलेक्ट पे क्लिक करोगे और ये फाइल आपकी यहाँ पे अपलोड हो जाएगी, जैसे कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रही है। इस तरह आप गूगल ड्राइव के थ्रू अपने एग्ज़ाम और टेस्ट में फाइल अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप गूगल ड्राइव के थ्रू अपलोड कर रहे हो उसमें प्रॉब्लम आ रही है आपको, तो आपको जो टेस्ट में आपने मेल आईडी फिल की हुई है, लॉगिन किया हुआ है, वो आईडी जो आप यहाँ पे ग्रीन बॉक्स में देख रहे हो फर्स्ट पिक्चर में, और जो आप सेकंड पिक्चर में ग्रीन बॉक्स में देख रहे हो वो आपकी दोनों आईडीज सेम होनी चाहिए। फर्स्ट जो पिक्चर है आपकी गूगल फॉर्म की है, सेकंड पिक्चर है जो आपकी गूगल ड्राइव की है। तो गूगल ड्राइव के थ्रू आपको अपलोडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप गूगल क्रोम ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो। अगर कोई और प्रॉब्लम आप एग्ज़ाम में या टेस्ट में फेस कर रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियोस में हम आपको उन प्रॉब्लम्स का सलूशन भी दे देंगे।